हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर वालों के लिए, जो बीएससी सेकेंड ईयर के छात्र हैं, ठीक है, उनके लिए हम जियोलॉजी का फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों पेपर एक साथ लेके आए, जो एमजेपीआरयू रोहलखंड यूनिवर्सिटी बरेली के छात्र हैं, उनके तीनों एक साथ पेपर, जिसके भी तीनों एक साथ पेपर हो रहे हैं। मतलब क्या, जिस यूनिवर्सिटी के तीनों एक साथ पेपर हो रहे हैं, चाहे वो बीर बहादुर सर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी हो या फिर एमजेपीआरयू हो, तो उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे, क्योंकि तीनों पेपर का जो सिलेबस होता है वो उनका सेम है, कोई इशू नहीं है। लेकिन इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो यही है, आप जिसके तीनों एक साथ पेपर हो रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको पढ़ लेना, ठीक है। और इनको पढ़ के ही पेपर देने जाना, इस बात को याद रखना। देखो, आपको अब नौ सिलेबस नहीं है कि आपको नौ सिलेबस को तैयार करना है, केवल तीन पेपर को तैयार करना है। और ज्यादा में ज्यादा जो क्वेश्चन दूंगा वो 18 से 19 क्वेश्चन होंगे इन वीडियो में। 18 19 क्वेश्चन तो पढ़ लोगे ना, कुछ ज्यादा नहीं होते, एक ही दिन में खत्म कर दोगे यार, कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं। इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट, वही आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों को शेयर करो। पहला क्वेश्चन, आप एम्फियोक्सिस क्या होता है, एम्फियोक्सिस के बारे में पूरा देखेंगे, उसके पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र के बारे में याद रखेंगे। और जो एम्फियोक्सिस होता है वो हेमिकार्डेडा के अंतर्गत आता है, तो हेमिकार्डेडा के समान लक्षण भी आपसे पूछ सकता है, तो एम्फियोक्सिस के बारे में आपको पूरा लिख देना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो, हिलवंग और इसका ऑरल हुड भी पूछ सकता है कि एम्फियोक्सिस का ऑरल हुड क्या होता है, तो आप भी यहीं से बना के लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद में आता है यूरोकार्डेडा, संघ यूरोकार्डेडा होता है, उसके समान लक्षण के बारे में आपसे पूछता है। तो जब आपको यूरोकार्डेडा जब पढ़ेंगे तो उसमें उसके अंदर एक एनिमल पाया जाता है हार्ड मानिया, तो हार्ड मानिया के आपको बाहर संरचना, बाहर से देखने में कैसा होता है, वो स्वभाव क्या है, उसकी आहार नाल क्या है, उसका रुधिर परिवहन तंत्र क्या है, ये आप पढ़ सकते हैं बिल्कुल सिंपल, एक बार पढ़ो, क्योंकि आपको ये पढ़ा हुआ है मैंने एग्जाम में सब कुछ, बस आपको थोड़ा देखना है, ज्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है। उसके बाद में आप हार्डमानिया के बारे में देखो, तो हार्डमानिया के टेंटपोल लार्वा देख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अंडे देने वाले स्तनधारियों के बारे में देख लेना, ये देख लेना। उसके बाद में विषैले सर्पहीन और विषैले और विषलहीन जो सर्प होते हैं उसमें आपको अंतर देख लेना है, और उनके दंत सूत्र के बारे में देख लेना, जो सांप के दंत सूत्र दांत कैसे होते हैं उनके स्ट्रक्चर के बारे में, स्तनधारियों के दंत संरचना के बारे में, दांत विन्यास जो होता है वही आप देखेंगे, ठीक है। और टोनेरियल लार्वा को आपको पढ़ लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है टोनेरियल लार्वा, और हेमिकार्डेडा के लक्षण के बारे में पढ़ लेना, ठीक है। अब जब हेमिकार्डेडा पढ़ोगे तो इसमें देखो एक क्वेश्चन आता है आपसे, एक क्वेश्चन पूछ लेता है एमजेपीआरयू रोकने के लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा ये, ठीक है। तो ये हेमिकार्डेडा वगैरह और ये पूछ लेता है कभी कभी, लेकिन इसको ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं देंगे। हिप्पो, देखो हिप्पोकैम्पस क्या होता है इसको पढ़ लेना, ठीक है। ये मछली होती है, एक मिनट से मछली पर टिप्पणी लिखी है। और उसके बाद में आता है आपका, देखिए पादप विहीन उभयचर क्या होते हैं उसके बारे में आपको याद कर लेना है। उसके बाद में बेलोनोग्लॉसिस की आंतरिक संरचना कैसी होती है ये पढ़ लेना है, और गिरगिट के बारे में हो सके तो छोड़ दो, एमजेपीआर के लिए इंपोर्टेंट नहीं है गिरगिट वाला, ठीक है। इतना पढ़ के आपको नीचे और ऊपर देख लेना है, इसमें प्रोटो कह सकते हैं प्रोटोथेमिया और मेटाथेमिया, मेटोथेरिया प्रोटोथेरिया, इसको तो छोड़ो, उड़न पेशियों के बारे में भी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। जलीय स्तनधारी के बारे में पढ़ लेना ये, ठीक है। बस इतना यहाँ से पढ़ लेना, बाकी कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाकी यहीं से सारा कुछ आ जाएगा। और उसके सेकंड पेपर में पहुंचो फटाक से, सेकंड पेपर ओपन करो, करो ओपन करो सेकंड पेपर, कर लिया, चलो ठीक। सेकंड पेपर में देखो क्या क्या पढ़ेंगे हम, सेकंड ईयर वालों, जूलॉजी के सेकंड पेपर में, सेकंड पेपर में हम पढ़ेंगे ओरिएंटल परिमंडल पढ़ेंगे, ओरिएंटल परिमंडल पढ़ने के बाद में हम जाति की उत्पत्ति कैसे हुई ये आप देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद में आता है संयोजन कड़ियों के परिमाण का जैविक सिद्धांत क्या रहा ये आप देखेंगे, ठीक है। और आर्किबिडेक्स एंड इसको छोड़ो, इसको छोड़ेंगे हम। देखो प्राणियों में भौगोलिक वितरण के बारे में आप देखेंगे, लैमार्क बाद और नव लैमार्क बाद, डार्विन बाद, इनकी आलोचना के बारे में पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में उत्परिवर्तन का सिद्धांत आप देखेंगे, जैव विकास का उत्परिवर्तन का सिद्धांत, संक्रमण जनन क्या होता है, संक्रमण जनन की बात करें तो यहाँ देखो जो युग्मक जनक होता है उसके बाद में दो प्रकार के, एक होता है संक्रमण जनन, एक होता है अंडाणु जनन, ठीक है। तो इन दोनों को, स्पर्मोगेनेसिस को पूरा देखेंगे, ठीक है। उसके बाद में आता है जरयुग का निर्माण किस प्रकार से होता है, टाइप बताओ तो आप, ठीक है, तो ये भी याद करेंगे। उसके बाद में जीवन की उत्पत्ति के बारे में पढ़ लेंगे थोड़ा, जीवाश्म फॉर्मेशन इज मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, इसको पढ़ेंगे। निषेचन किस प्रकार से होता है, एक डबल निषेचन आता है, द्वितीय निषेचन, दुवि निषेचन कहते हैं, अभी देखेंगे हम नीचे, ठीक है। इसको देखो निषेचन का महत्व के बारे में देख लेना, हेकल के पुनरावृत्ति सिद्धांत को पढ़ लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और उसके बाद में देखो नीचे हम जाएंगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे 100%, याद रखना इसको। देखो मेरी बात को एकदम दिल से लेना है, समझ रहे हो, यहाँ से बाहर कुछ नहीं जाने वाला। 85% आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, आज जिसके तीनों एक साथ पेपर हो रहे हैं, जिस भी यूनिवर्सिटी के हैं, तो आप अपने बुक में टिक लगा लो, ठीक है। तो यहाँ से बाहर कुछ नहीं जाने वाला, एमजेपीआरयू हो चाहे बीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, तो नहीं है उसमें, तो ऑब्जेक्टिव हो रहा है वो तो हो चुका है, सॉरी ऑब्जेक्टिव नहीं, रिटन हो रहा है लेकिन हो चुका है, उसका पेपर हो गया, लेकिन अब हो रहा है हमारा बीर बहादुर सिंह, सॉरी
काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, जो काशी विद्यापीठ है उसकी बात करने वाले हैं, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी है बनारस में उसकी बात कर रहा हूँ, उसके भी तीनों एक साथ पेपर हो रहे हैं, तो भी यहाँ पे याद रखना आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। अब थर्ड पेपर ओपन करो, इसमें एक बार देख लेते हैं दोबारा से, कोई आपको बताने वाला हो तो अंडे के प्रकार में ऊपर बता चुका हूँ। देखिए मेंढक का टैडपोल कालांतर के बारे में पढ़ लेना, ठीक है, टैडपोल कालांतर, और इसमें क्या है देखो अपरविन्यास, देखिए अपरविन्यास के बारे में पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा चुका है। विदलन के बारे में पढ़ेंगे, ये शॉर्ट में पूछेगा आपसे, शॉर्ट में पूछेगा, बाकी यहाँ आपसे कुछ पढ़ने की जरूरत तो नहीं है। बाकी थर्ड पेपर में पहुंच जाओ फटाफट, थर्ड पेपर ओपन करो, थर्ड पेपर को ओपन करो फटाक से, थर्ड पेपर को ओपन करेंगे सभी लोग, बहुत बढ़िया। थर्ड पेपर में पाचन, भोजन का पाचन किस प्रकार से होता है ये पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, भोजन का पाचन, और श्वसन प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे, स्तनधारी श्वसन प्रक्रिया किस प्रकार से होता है, मूत्र का निर्माण क्या होता है वो देखेंगे, और सबसे ज्यादा जो होता है स्तनधारी में थायराइड ग्रंथि, अंतस्थ, ठीक है, एक होता है अंतस्रावी ग्रंथि, एक बाहस्रावी ग्रंथि, ये ज्यादा पूछी जाती है, इन दोनों ग्रंथियों के बारे में देखेंगे, ठीक है। और ये देखो पीयूष ग्रंथि क्या होती है, मानसिक चक्र क्या होता है, जैसे एमसी वगैरह कहते हैं मानसिक चक्र, ठीक है, जैसे पीरियड वगैरह होता है उसके बैटर की बात करते हैं, पीरियड वाला सिस्टम पूरा आप बताएंगे, ठीक है, पीरियड किस प्रकार से आता है वो, ठीक है, और हार्मोन्स के महत्व के बारे में, एंजाइम क्या होता है ये पढ़ेंगे हम, ठीक है, तो एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे, उनके प्रकार कितने होते हैं, और सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में आपसे पूछता है एग्जामिनर, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, ठीक है, तो ये हो गया, और लिपिड्स का वर्गीकरण पढ़ लेना इसमें, और उसके बाद में हम विटामिन के बारे में पढ़ेंगे, विटामिन क्या होता है, ठीक है, और बुहर का इफेक्ट क्या है, बुहर इफेक्ट के बारे में पढ़ लेंगे, अंतःस्रावी बाहस्रावी अभी मैंने ऊपर बोला था आपसे, अंतःस्रावी बाहस्रावी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको पढ़ना, प्रतिवर्ती क्रिया, रिफ्लेक्शन जो कह सकते हैं, रिफ्लेक्शन होता है ना, रिफ्लेक्स एक्शन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेस मेकर के बारे में पढ़ लेना, ठीक है, और पिंक्रास के बारे में, जैसे नेग्रहांस की दीपिकाएं पाई जाती हैं वो आप देखेंगे, सोडियम पंप एमजेपीआरयू रोल करने के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, ठीक है, और उसके बाद में तालाचाबी सिद्धांत, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, कोएंजाइम मोस्ट इंपोर्टेंट है, कोएंजाइम याद रखना, ठीक है, जिसे हम सहएंजाइम हिंदी में सहएंजाइम कहते हैं कोएंजाइम को, ओके, आपातकाल हार्मोन्स क्या होते हैं ये आप पढ़ लेना, और यही आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है, इससे बाहर कुछ नहीं देने वाला, इससे बाहर कुछ भी नहीं देगा एग्जामर, मैं आपसे वादा करता हूँ, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन में नहीं देखने वाला, सब कुछ यही आपको, क्रिया क्वेश्चन क्या होता है इसको पढ़ लेना, बस इससे बाहर आपसे कुछ नहीं आएगा, ये जो बता रहा हूँ इन क्वेश्चनों को आपको ध्यान से पढ़ लेना है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। थायराइड ग्रंथि को पढ़ लेना, थायराइड ग्रंथि क्या होती है आपसे पूछ लेगा थायराइड ग्रंथि के बारे में, और रक्त स्कंदन क्या होता है, रक्त स्कंदन याद रखना, रक्त स्कंदन रुधिर क्या है, कार्य क्या होते हैं रुधिर के, और रक्त स्कंदन ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, और बस इतना ही इंपोर्टेंट रहेगा इसमें, बाकी बस आपको अफवाह में देखने को मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन हाँ मैं आपसे जो वादा किया 85% का, तो यहाँ से कुछ भी बाहर नहीं जाने वाला, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कर देना, थैंक यू।